हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम सॉलिड स्टेट का आठवां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज हम ठोस के एक महत्वपूर्ण गुण, उसके विद्युतीय गुण के बारे में पढ़ा जाएगा। ठोसों का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल और सॉलिड्स। विद्युत चालकता के आधार पर ठोस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक इसमें चालक है जिसको कंडक्टर बोलते हैं, एक इसमें और चालक है जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, एक इसमें सेमी कंडक्टर है और चालक। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ठोस जिसमें विद्युत धारा आसानी से संचरित होती हो, चालक। ऐसा ठोस जिसमें विद्युत धारा का संचरण न होता हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट न होता हो, उसको अचालक। और ऐसा ठोस जिसकी चालकता चालक और अचालक के मध्य की हो, उसको अर्धचालक या इंसुलेटर बोला जाता है। इसके बारे में फिर आगे चल करके हम पढ़ रहे हैं। इसमें चालक और अर्धचालक के चालकता को समझने के लिए ठोस में एक बैंड सिद्धांत है, बैंड थ्योरी। बैंड सिद्धांत बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। मेरे प्यारे बच्चों, बैंड सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी पर आधारित है। अणु कक्षक सिद्धांत है, आप जानते हो अणु कक्षक सिद्धांत की एन परमाणु कक्षक, एन परमाणु कक्षक में करके कैपिटल एन अणु कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसमें से एन बाई टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल और n बाई टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसमें आप जानते हो कि n परमाणु कक्षक मिलेगा, n अणु कक्षक का निर्माण होगा, जिसमें से n बाई टू बॉन्डिंग और n बाई टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होगा। किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन उसके आणविक कक्षक में भरे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बैंड सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार का तत्वों में बैंड पाया जाता है। एक होता है एस बैंड, जिसको संयोजकता बैंड भी बोलते हैं, वैलेंसी बैंड, संयोजकता बैंड। और एक होता है पी बैंड, जिसको चालकता बैंड भी बोला जाता है, चालकता बैंड भी। इसमें और एस बैंड और पी बैंड एक ही कोस के, एस बैंड और पी बैंड में एस बैंड की ऊर्जा कम होगी, पी बैंड की ऊर्जा अधिक होगी। इसके मध्य में जो अंतर पाया जाएगा, जो गैप पाया जाएगा, इसको बैंड गैप बोला। बैंड गैप या बैंड अंतराल बोला जाता है। इसमें बैंड सिद्धांत को समझने के लिए एक आपको छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए कि सोडियम का क्रिस्टल है 11, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अवगाहन रूप से करें
1s2, 2s2, 2p6, 3s1, आगे चाहोगे तो आप 3p0 लिख सकते हो। इसमें जब सोडियम का कोई क्रिस्टल होगा, एक परमाणु हो तो एक का चिन्ह दिखेगा, शैवाल का दोस्तों में सामान्यतः पोस की बात करेंगे, 3s1 ऐसे दिखेगा, एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा। जब सोडियम का क्रिस्टल होगा तो सोडियम के एक अणु में अशांत परमाणु उसमें उपस्थित होंगे, तो सोडियम का सभी 3, जितना सोडियम परमाणु है उसका सभी 3s1 कक्षक आपस में मिलकर के यहां पे 2 कक्षक है, यहां पर 3 कक्षक है। मान लो कि सोडियम का यदि n परमाणु अगर उपस्थित है तो इसमें पूरा s जो होगा आपस में मिलकर के s बैंड बना लेगा, और 3s1 है तो इसका आधा भाग आयोनिक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बना है, तो ये अर्धभारित होगा, आधा इलेक्ट्रॉन के द्वारा बना होगा, आधा खाली होगा। जब इसको उच्च विभवांतर की क्षेत्र में ले जाएंगे तो यही इलेक्ट्रॉन इसमें बैंड में इधर उधर गति करेगा, जिसके कारण से चालक का प्रदर्शित होगा। तो इसमें सभी s परमाणु कक्षक मिलकर के s बैंड का निर्माण, सभी p परमाणु कक्षक मिलकर के p बैंड का निर्माण करेंगे, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एक बैंड से दूसरे बैंड में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जिसके कारण से वो चालक का प्रदर्शित करेगा। और s बैंड संयोजकता बैंड और p बैंड चालकता बैंड के मध्य के अंतराल को ही बोला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन पूछा जाता है, दो नंबर क्वेश्चन में ये बैंड अंतराल 2014 में आपसे पूछा है। फिर से हम आ जाएगा, चालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आसानी से होता हो उसको चालक बोला जाता है, जिसमें न होता हो उसको इंसुलेटर बोला जाता है, और जिसकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य की हो उसको बोला जाता है अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। अर्धचालक दो प्रकार, एक होगा निज अर्धचालक और एक होगा बाह्य अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। निज अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल शुद्धतम अवस्था में, सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल शुद्धतम अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है उसको बोला जाता है निज अर्धचालक। इसमें और यदि उसमें तीसरे या पांचवें समूह का अवद्रव्य मिला दिया जाए, तीसरा समूह यानी कि थर्ड ए ग्रुप का, थर्ड ए ग्रुप यानी कि बी ए एल जी ए आई एन टी एल, या पांचवें समूह फिफ्थ ए एन पी ए एच एस बी बी आई SB, antimony, BA, इसका मिला रहेगा, तो अगर कोई अशुद्धि मिली रहेगी और उसकी चालकता अचानक बढ़ जाएगी तो उसको बाह्य अर्धचालक बोला जाएगा। सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल, देखिए सिलिकॉन या जर्मेनियम कार्बन परिवार का है, 400 का प्रदर्शित करेगा। सिलिकॉन का यदि कोई क्रिस्टल होगा तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में ऐसे चारों तरफ से ये जो होगा सब संयोजकों के द्वारा इनका इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है ऐसे सर्किट करके हम दिखा दें, ऐसे सब संयोजकों के द्वारा जुड़ा हुआ। इसमें चूंकि कोई खाली स्थान नहीं है, कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके कारण से सामान्य अवस्था में चालकता प्रदर्शित नहीं करेंगे, इसी के कारण से इनको निज अर्धचालक बोला जाता है। फिर अगर इसमें तीसरे या पांचवें समूह की अशुद्धि मिला देगी तो इसकी चालकता अचानक बढ़ जाएगी, तो इसमें चालकता अचानक बढ़ जाएगी उसी को बोला जाएगा बाह्य अर्धचालक। इसमें बाह्य अर्धचालक जो होगा वो दो प्रकार का होगा, बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का, एक होता है पी टाइप बाह्य अर्धचालक
और एक होता है एंड टाइप वायर ऐसा। इसमें पी टाइप वायर और दशावक में क्या होगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसी को बता दे रहे हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल है, इसमें तीसरे समूह का आउटग्रोइंग किया है, तीसरे समूह का यानी कि बी आ जाए या एल आ जाए, जे आई एन टी एल कोई भी इसमें से आ जाएगा, तो एक सिलिकॉन परमाणु को क्रिस्टल में से हट करके, और मान लीजिए इसमें कि बोरान आ गया, बोरान के बाद तो कोस में बोरान पांच है, दो कामा तीन इलेक्ट्रॉन है, तो तीन इलेक्ट्रॉन बोरान का इसमें संयोग तो तीन तरफ से करेगा, लेकिन एक स्थान इसका खाली रह जाएगा, जो खाली स्थान होगा इसको क्वार्टर बोला जाएगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे जाएगा तो खाली स्थान यहां आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो खाली स्थान यहां हो जाएगा, तो इसमें माना जाता है कि क्वार्टर के कारण से इलेक्ट्रॉन क्वार्टर के कारण से इसमें विद्युत धारा संचरित होती है, तो इसको बोला जाता है पी टाइप वायर संचारक, जिसमें आवेश का संचरण क्वार्टर के कारण से होता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों एन टाइप वाले अर्धचालक किसको बोलेंगे, हम जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के शुद्धतम क्रिस्टल में हैं, हम क्या करेंगे, उदाहरण आपको एक बता रहे, इसको मिटा रहे, इसको हम यहां बता दें, देखिए सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल है ऐसा है, सिलिकॉन ये चार तरफ से श्वसन इलेक्ट्रॉन के द्वारा अन्य सिलिकॉन परमाणु से जुड़ा होगा, सिलिकॉन परमाणु, इसमें हम इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे सर्किट की तरह दिखा रहे, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ा। मेरे प्यारे बच्चों जब इसके पांचवें समूह का ऑप्टोवेट आएंगे, पांचवा समूह यानी एन पी एस एस वी बी एल, कोई नाइट्रोजन परिवार में इसमें डाल होगी, मान लो उसमें आप आर्सेनिक मिला रहे हो, आर्सेनिक इसके बाह्यतम कोष में नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके नीचे जितने तत्व हैं सबके बाह्यतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन होगा, तो बाह्यतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे चार तरफ से सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, तो एक सिलिकॉन को हटा करके और आर्सेनिक को रख दिया गया, तो जब आर्सेनिक आ जाएगा यहाँ पर तो उसके बाह्यतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में कार्बन परिवार का है, दो गामा चार इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो उनके बाह्यतम सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाह्यतम कोष में भी चार इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन आर्सेनिक के बाह्यतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन है, तो वो चार तरफ से तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लेगा, लेकिन एक इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें शेष रह जाएगा, अतिरिक्त रह जाएगा जो क्रिस्टल में जाकर व्यवस्थित हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में इधर उधर गति करेगा, इसी नाम से ये चालक का प्रदर्शन करेगा, इसमें आवेश का वाहक जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कारण से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसके कारण से इसको बोला जाता है एन टाइप वायर अर्धचालक। मेरे प्यारे बच्चों ये ठोसों के विद्युतीकरण गुण से संबंधित है, इसमें बैंड थ्योरी के आधार पर है, जो चालक होगा चालक है और अर्धचालक, इसमें चालक में एस बैंड और पी बैंड के मध्य बैंड अंतराल बहुत कम होता है, अर्धचालक में उससे थोड़ा सा अधिक होता है, जिससे थोड़ा सा कठिनाई हो इलेक्ट्रॉन के संचरण में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कम फ्लो हो, और अचालक में बैंड जो होता है वो बहुत अधिक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में नहीं जा पाते, इसी के कारण से वो चालक का प्रदर्शन नहीं करता।